नमस्कार, आप देख रहे हैं INN 24 और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार में फिर पैर पसार रहा जाली नोटों का गोरख धंधा। बेतिया पुलिस ने दबिश देकर एक महिला और एक पुरुष को किया गिरफ्तार। दोनों के पास से 86,000 के फेक करेंसी बरामद। दोनों आरोपी भेजे गए जेल। झारखंड में प्रतिबंधित संगठनों का खून खराबा जारी। गुमला के महाराजगंज में लेवी नहीं मिलने से नाराज सशस्त्र उग्रवादियों ने की सड़क निर्माण के संवेदक की हत्या। पुलिस ने शुरू की अपनी जांच। और बिहार में कांग्रेस का राज्य स्तरीय सम्मेलन संपन्न। राज्य के कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने केंद्र और राज्य पर साधा जमकर निशाना। कहा, किसानों को बर्बाद करने पर तुली है भाजपा की सरकारें। किसानों की समस्याओं को लेकर 21 जून से आंदोलन का किया आह्वान। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल सहित प्रदेश के कई दिग्गज नेता सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में आयोजित सभा में शामिल होने पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर प्रदेश के नेताओं का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में किसानों की स्थिति सबसे ज्यादा बुरी है। आज किसान धान सहित अन्य फसलों की उपज पैदा कर उन्हें बेचने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दावा किया था कि किसानों का गेहूं सबसे न्यूनतम मूल्य दर पर खरीदा जाएगा, लेकिन उनका यह दावा आज हवा हवाई है। किसानों की समस्याओं को लेकर 21 जून से मुहिम छिड़ जाएगी और पूरे जिले में आंदोलन किया जाएगा। आज बिहार के युवा सबसे ज्यादा मुश्किल में हैं। युवाओं के पास किसी तरह का रोजगार नहीं है। बिहार में शिक्षा की स्थिति सबसे बुरी है। हाल ही में इंटर की परीक्षा का परिणाम आया। परीक्षा के परिणाम में इतनी भारी गड़बड़ी है कि उसे लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुटकी लेते हुए कहा कि वर्ष 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी कहा करते थे, मित्रों हमें वोट दे दो, सारी चीनी मिलें चालू कर दी जाएंगी, लेकिन आज एक भी चीनी मिल चालू नहीं है। यह सरकार झूठा वादा करती है, लेकिन कांग्रेस जनता के साथ कभी झूठा वादा नहीं करती। आने वाले समय में जनता की समस्याओं को दूर करते हुए उनके हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। कांग्रेस अपनी मजबूती के लिए पूरी तरह से एकजुट है। बिहार को अव्वल नंबर का बनाने के लिए, सेवा करने के लिए बनेगी। और मछुआरों की कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ बाढ़ आ जाती है। मोदी जी नेपाल घूमने तो जाते हैं, पर बिहार में बाढ़ ना आए उसकी कोई बात वहाँ नहीं करता। चीनी मिलें बंद पड़ी, एक ज़माने में यहाँ की चीनी मिलें बहुत अच्छी तरह से चलती, आज चाइना से चीनी लाते हैं, पाकिस्तान से लाते हैं, पर बिहार की चीनी मिलें शुरू करना मोदी जी को नहीं रास आ रहा है। इन्हें शुरू को लेके जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों के साथ और सहयोग आशीर्वाद से बिहार में कांग्रेस मजबूत बनेगी। सर, आपने अभी कहा कि चीनी मिलें बंद है, चीनी मिलें करीबन 15 वर्षों से बंद है, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कांग्रेस क्या कर रही थी? सर, हमने कोशिश की थी और आने वाले दिनों में भी हम करना चाहते। हमने कभी कोई फेक प्रॉमिस नहीं दिया था। मोदी जी ने 2014 के चुनाव में आपका कैमरा ढूंढोगे तो मिलेंगे, मित्रों वोट दे दो, चीनी मिले शुरू कर दूंगा, 4 साल खत्म हुआ हुई। हम कहते हैं कि हम प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। 10 साल में भी हमने ये किया। कांग्रेस की 10 साल सरकार थी, कोई भी आके बहस कर ले, मैं गवर्नमेंट का रिकॉर्ड लेके बैठूंगा, कांग्रेस की 10 साल दिल्ली में सरकार, बिहार को सबसे ज़्यादा पैसा मिला। मोदी जी के 4 साल बिहार को बहुत कम पैसा। झारखंड के गिरिडीह में सरिया स्थित विवेकानंद चौक पर JVM और JMM के नेतृत्व में सरिया बगोदर अनुमंडल को जिला बनाने को लेकर के रांची देवघर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया। जाम 5 घंटे तक रही, जिससे आवागमन बाधित रही। वही JMM नेता त्रिभुवन मंडल जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि यदि सरकार सरिया को जिला नहीं बनाती है, पुनः 1 महीने के बाद फिर से धरना प्रदर्शन किया जाएगा और रेलवे ट्रैक को भी जाम किया जाएगा। और JVM नेत्री सह सरिया पश्चिमी जिला परिषद सदस्य रजनी कौर ने संबोधन में कहा कि सरिया ही ऐसी केंद्र है जो सभी तरह की आहूर्ति पूरी करती है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के खड़गवा जनपद पंचायत के ग्राम छोटे कलवा के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित नजर आ रहे हैं। जैसा कि भाजपा विकास के बड़े बड़े दावे करते नजर आ रही है, लेकिन जमीनी वाकया कुछ और ही कह रही है। इस गांव के लोग पीने के पानी तक को मोहताज हैं। खड़गवा जनपद पंचायत स्थित छोटे गांव कलवा के बसरापारा मोहल्ले में रहने वाले ग्रामीण चिरमिरी से बहता हुआ नाला, जो छोटे कलवा के बसरापारा ग्राम वासियों के नहाने धोने एवं प्यास बुझाने के काम आता है, महिलाएं वहां जाकर उस नाले के पानी से अपना नहाना धोना एवं पीने के पानी के लिए उस रेत में एक गड्ढा बनाकर उस गड्ढे का खराब पानी फेंक देते हैं।
कुछ देर बाद उसमें पानी इकट्ठा होता है, उसे वह अपने पीने के लिए उपयोग में लाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि गर्मी हो या बरसात, वह पीने के लिए पानी के लिए इन समस्याओं से कई वर्षों से जूझ रहे हैं, लेकिन इनका सुध लेने वाला कोई नहीं। ना उस मोहल्ले में रोड बना है और ना लाइट की व्यवस्था है। पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? नाला से, पूरा सभी लोग पीते हैं। नहाना धोने के लिए और पानी पीने के लिए सब नाला से यूज? अच्छा, तो आप लोग इसका शिकायत किए थे पंचायत में जी। और फिर क्या हुआ? फिर पता नहीं फिर क्या किए हैं विधायक। कितने दिनों से ये नाले का पानी पीते हैं आप लोग? बहुत दिन से। कितने सालों से? कम से कम आज तक खूब गया पीते पीते, लेकिन अब हम लोग भी आए तो हम लोग पी रहे हैं। लोग का गांव का ही समस्या है कि लाइट नहीं है, और दूसरी समस्या ये है कि रोड में बहुत कीचड़ होता है, रोड नहीं बन पाया है, और तीसरी समस्या है कि मिट्टी तेल 3-4 महीना से नहीं मिला है। और क्या समस्या है? और बाकी नाला का पानी पीते हैं, यही समस्या है अपने पास। कितने वर्षों से नाला का पानी पी रहे हैं आप लोग? अपन 30-40 वर्ष से पानी पी रहे हैं नाला का। पानी का यहाँ का व्यवस्था सरपंच के द्वारा नहीं किया गया है क्या? सरपंच द्वारा हम लोग आवेदन करते हैं, सरपंच पी के ही टाइट रहते हैं, हम लोग का कोई सुनाई नहीं होता। कई बार आवेदन दे चुके हैं। क्या बोलता है सरपंच? सरपंच कहता है बनवाऊंगा, नहीं बनवा पाता। बिहार के भोजपुर में मामूली विवाद में खूनी संघर्ष निरंतर जारी है, लेकिन भोजपुर पुलिस इस आपराधिक वारदात पर लगाम लगाने में विफल साबित हो रही है। ताजा मामला नवादा थाना क्षेत्र के संकट मोचन नगर का है, जहां 3 की संख्या में आए बदमाशों ने चाचा भतीजा को गोली मार जख्मी कर दिया। इस गोलीबारी की घटना में रामनगर मोहल्ला निवासी स्वर्गीय ललन पांडे का पुत्र जितेंद्र पांडे व राकेश पांडे का पुत्र राजेश पांडे जख्मी हो गए। गोली जितेंद्र पांडे के सीने में लग गई, जबकि राकेश पांडे के होंठ में गोली छू कर निकल गई। फिलहाल दोनों का इलाज आरा सदर अस्पताल में चल रहा है। जख्मी समेत पूरा परिवार कलकत्ता में ही रहते हैं। पिता की मौत के बाद गांव आकर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार श्राद्ध कर्म किया जा रहा था। इस संदर्भ में बताया जाता है कि जख्मी युवक के पिता ललन पांडे की 8 दिन पहले बीमारी के कारण मौत हो गई थी, जिसके बाद हिंदू रीति रिवाज के अनुसार स्नान की क्रिया के लिए रामनगर मोहल्ले से संकट मोचन मोहल्ले में सरकारी चापाकल पर नहाने गए थे। तभी स्थानीय लोगों ने इसका विरोध कर नहाने से साफ तौर पर मना कर दिया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में तू तू मैं हुई। वाद विवाद के बाद पिस्टल निकालकर एक व्यक्ति ने 2 राउंड फायरिंग कर दी, जिससे 2 लोग जख्मी हो गए। फिलहाल मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले की छानबीन कर बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। गोली लगी है, वही हम लोग नहा रहे थे वहाँ पर, क्या पता कहाँ से बोले गाली गलौज देने लगे, हम लोग कुछ बोला नहीं उनको, अचानक उन्होंने 2 आदमी कहाँ से किधर से लेके आए राइफल चलाने लगे। राइफल दिया, रिवॉल्वर था, सिक्सर था। कौन थे वो लोग? अभी अब वहाँ तो डेली हम लोग को दिखाई देते, अब कौन थे हम लोग नाम राम काम कुछ नहीं जानते, नहीं जानते। कहे कि हम लोग यहाँ रहने वाले हैं नहीं, हम लोग कलकत्ता से में रहते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं। तो आप लोग का घर कहाँ? घर आपके यहाँ पे? चरनावा में, रामनगर में। रामनगर में ये जो जो गोली लगा है वो कौन है आपका? वो गोली लगा है वो 4 नंबर भाई है, छोटा भाई जितेंद्र पांडे। जितेंद्र, और जो लड़का है वो मेरा लड़का है। पिताजी के नाम से? बड़ा लड़का है। ये नहाने के विवाद को लेकर हुआ है लड़ाई? नहा लिए हम लोग, तिलांजलि दे रहे तो आज पानी देते हुए हाई फाइव संकट मोचन फायर ब्रिगेड पे पानी देते हुए पानी उन्हें खातिर बोले लग रहे हैं। नहाने के विवाद में हुआ है? हाँ, नहा रहे थे, जल दे रहे थे वहाँ घंट पे पानी, पीपल का पेड़ है तो वहाँ पे गाली उली देने लगे, हम लोग माना कि काहे गाली दे और आक्रोशित हो गया झगड़ा कर, बहुत आदमी थे तो उसी में बंदूक निकाल के मारने लगे। कौन थे वो लोग सर? नाम से नहीं जानते, चेहरा से जानते होंगे ना? देखा नहीं। तो नहाने के विवाद में हुआ है? कितने लोग थे आप लोग? कितने लोग जख्मी है? बिहार में बेतिया पश्चिम चंपारण के मनुआ पुल थाना क्षेत्र अंतर्गत मैनाटांड बेतिया मुख्य मार्ग में एक व्यवसायी को लूटने की योजना को पुलिस ने विफल किया। इसकी पुष्टि करते हुए जयंत कांत ने कहा कि गुप्त सूचना मिली कि कुछ अपराधियों के द्वारा गोरखपुर से आने वाले व्यवसायी को लूटने की योजना में है। त्वरित कार्रवाई करते हुए मनुआ पुल थानाध्यक्ष राजीव रजक आदि के द्वारा छापेमारी किया गया,
जिसको लेकर त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी टीम ने बघा बनकटवा निवासी राजन मिश्रा, पिता उपेंद्र मिश्रा व मनुआपुल खैरटिया निवासी सुमित कुमार उर्फ नन्हे को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में गिरफ्तार अपराधियों द्वारा घटना को अंजाम देने की बात को स्वीकार किया गया है। छापेमारी टीम के सभी पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। 5 लाख रुपए की लूट करने वाले हैं। इस मामले पे डीएसपी सदर एडिशनल एसपी ऑपरेशंस के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसने मौका वारदात पे जाकर के छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया। उनके पास से 1 कंट्रीमेड वेपन और 1 बाइक बरामद की गई। झारखंड गिरिडीह पुलिस लाइन में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर गिरिडीह एसडीपीओ मनीष कुमार टोप्पो ने उक्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गांडे अलियापुर व जिला पुलिस की संयुक्त छापेमारी के बाद ही मिली है सफलता। पकड़े गए अभियुक्त में धनबाद थाना क्षेत्र के मनिहारी निवासी शामिल है। उक्त आरोपी को अलियापुर थाना में रखकर पूछताछ की जा रही थी, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी के पास से 3 मोबाइल, 2 ATM कार्ड, सिम कार्ड, बैंक ट्रांजैक्शन समेत साइबर गतिविधियों से संबंधित कई प्रमाण भी मिले हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह अपराधी रकसकुट्टो गांव में रिश्तेदारों के घर आकर कुछ बाहरी युवक के साथ मिलकर साइबर अपराध को अंजाम दे रहा था। इस पर अलियापुर व जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से टीम गठित कर सघन छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें उक्त अभियुक्त को धर दबोचा। जिसके पास से 3 मोबाइल और 4 सिम बरामद किया गया है। 2 अलग अलग बैंक का ATM कार्ड है और खास बात यह है कि एक ही व्यक्ति का 2 आधार कार्ड है, जो अलग अलग नंबर का आधार कार्ड बरामद किया गया है। साथ ही साथ जो उसका भारत सरकार द्वारा निर्वाचन पत्र पहचान पत्र जो है, वो भी अलग नाम से उसके द्वारा बनाया गया है और केस दर्ज कर लिया गया है। इसका नाम है कुलदीप कुमार वर्मा, धनबाद का। उग्रवादी संगठन PLFI एक बार फिर गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए बसिया थाना क्षेत्र के महाराजगंज से द्वारसेनी तक सड़क निर्माण कार्य में लगे संवेदक राम कुमार सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी है। उग्रवादियों के द्वारा इस घटना को अंजाम देने के बाद क्षेत्र के लोग काफी भयभीत हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि उग्रवादियों को सड़क निर्माण कार्य से लेवी की राशि नहीं मिली होगी, जिसके कारण ही उग्रवादियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। वही घटना की सूचना मिलने के बाद जिले के SP अंशुमन कुमार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दिए हैं। 10:30 से 11 बजे के बीच में गोंडेगेरा के पास में, जो कि बसिया थाना अंतर्गत पड़ता है, वहीं पर राम कुमार नामक व्यक्ति की हत्या की गई है अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा। इसके पीछे कौन लोग हैं उसका हम लोग पता लगा रहे हैं। कोई उग्रवादियों का हाथ है या नहीं है उसकी अभी जांच हो रही है। इसके अलावा इसका जो पूरा बैकग्राउंड जो था उस पर भी काम किया जा रहा है, ताकि ये पता चल सके कोई किसी की जाति दुश्मनी हो उसमें अगर हत्या की गई हो तो पता चल सके। मुंशी, अच्छा, रोड किनारे में ऐसी गोली मार दिया। क्यों मार दिया? P5 मार दिया। क्या गोली मारा है? 2 गोली। मौके पर मौत हो गई है। झारखंड में गिरिडीह DSP जीत वाहन ने गिरिडीह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि पीरटान थाना क्षेत्र में अव्यवस्थित मांझी डी में IED लगाने के गुप्त सूचना के आधार पर पीरटान थाना प्रभारी के नेतृत्व में दिनांक 10 जून को सशस्त्र बल के जवानों के साथ छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी के क्रम में रोहित मांझी उर्फ चुंदा दा को गिरफ्तार किया गया, जो देवन डी झरहा का निवासी है। इनके पास से 50 पावर जेल, 25 डेटोनेटर, 2 IED बरामद किया गया है। पूछताछ के क्रम में इन्होंने SIS सिक्योरिटी एजेंसी का वाहन ब्लास्ट, ढोलकट्टा मुठभेड़, हेसालो मुठभेड़, पीरटांड खुखरा सड़क में वाहन जलाने, धावाटांड में 2 लोगों की हत्या में शामिल होना स्वीकार किया है। बिहार में बेतिया पश्चिम चंपारण जिले के मंझोलिया थाना अंतर्गत गुप्त सूचना के आलोक में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जाली नोट सहित 2 तस्कर को धर दबोचा। पुलिस अधीक्षक जयंतकांत को गुप्त सूचना मिली कि कुछ जाली नोट कारोबारियों के द्वारा भारतीय जाली नोट की तस्करी की जा रही है। इस सूचना के आधार पर अधोहस्ताक्षरी के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर बेतिया के नेतृत्व में त्वरित एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम के सदस्यों के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मझोलिया थाना अंतर्गत ग्राम लाल सरैया से तल्लुआ डोरा टोला नोतन निवासी प्रियंका देवी, पति उमेश सहनी, 2000 के नोट में
66,000 रुपए भारतीय जाली नोट। वहीं दूसरी तरफ 20,000 के भारतीय जाली नोट के साथ नौतन थाना के दक्षिण तेलुआ निवासी ब्रजेश सहनी पिता स्वर्गीय छोटेलाल सहनी पकड़ा गया। कुल 86,000 भारतीय जाली नोट के साथ एक महिला व एक पुरुष को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। छापेमारी में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में बेतिया पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध जो लगातार कार्रवाई की जा रही है, उसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक मामले में जिसमें मझौलिया थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी इकट्ठा होकर जो कि जाली नोटों का व्यापार कर रहे थे, 86,000 भारतीय जाली नोट जो कि 2,000 रुपये की संख्या में थे, वो बरामद किए गए। इसमें जो है दो व्यक्तियों को, जिसमें से एक महिला है और एक पुरुष है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त मनवापुल थाने को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराधी जो कि 5,00,000 रुपए की हथियार के बल पे 5,00,000 रुपए की लूट करने वाले हैं। झारखंड में रमजान के पाक महीने में धनबाद के पुलिस लाइन में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस दौरान एसएसपी मनोज रतन चौथे ने आम लोगों के साथ साथ सभी थाने के पदाधिकारियों को दावत दिए। इफ्तार दावत में मौजूद एसएसपी मनोज रतन चौथे, एसडीओ, सिटी एसपी, डीएसपी, ट्रैफिक डीएसपी के अलावा सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। वहीं एसएसपी मनोज रतन चौथे ने कहा कि रमजान का पाक महीना चल रहा है और पुलिस में एक अच्छी परंपरा है कि हर धर्म के लोगों का पर्व सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं। देखिए, रमजान का पाक महीना चल रहा है और पुलिस में एक बहुत अच्छी परंपरा है, हर धर्म के त्योहारों को हम लोग सब लोग मिल के मनाते हैं। तो आज पुलिस लाइन में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। जितने भी रोजेदार है वो पुलिस में भी है और हम लोगों ने कुछ आम नागरिकों को भी इस इफ्तार पार्टी में इनवाइट किया था। तो जितने भी रोजेदार है उन सभी रोजेदारों के बीच में आज हम लोगों ने इफ्तार का आयोजन किया गया, उनके साथ रोजा खुला है। और मैं आने वाले ईद के त्यौहार के लिए भी आपके माध्यम से सभी जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ और अपील भी करता हूँ कि आने वाला जो त्यौहार है वो शांतिपूर्वक मनाए और खुशी से मनाए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें IAN24 पर। नमस्कार।